नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं 70 प्रश्नों की 70 मध्यकालीन भारत के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लाया हूं, जो कि व्यापम अपकमिंग SSC UPSC बैंक IBPS कनिष्ठ अधिकारी और लेबर इंस्पेक्टर के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने के पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके मुझे सपोर्ट कीजिए, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहुँचते रहेंगे। दोस्तों, आगे भी मैं ऐसी टेस्ट सीरीज आपके लिए लाता रहूँगा, व्यापक एग्ज़ाम MPPSC UPPSC SSC बैंक हाई आदि एग्ज़ामों के लिए। तो दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था अभिशंकर, गौरी शंकर, दया शंकर, मूल शंकर। तो दोस्तों, इसका आंसर है मूला शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूला शंकर था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित दार्शनिकों और उनके दर्शन समूहों में से गलत जोड़ा ज्ञात कीजिए। शंकराचार्य अद्वैत, बल्लभाचार्य शुद्ध अद्वैत, चैतन्य विशिष्ट अद्वैत, चार्वाक लोकायत। तो हमें इसमें से गलत जोड़ा देखना है, तो गलत जोड़ा है चैतन्य विशिष्ट अद्वैत। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह कौन सा मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है? डाकमा, चैत्य, खगवा, अगेरी। इसका आंसर है चैत्य। चैत्य मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही अनुक्रम चुनिए। दोस्तों, इसका आंसर मैं बता देता हूँ समय के अनुसार। आंसर है निजामुद्दीन औलिया, फिर कबीर, फिर मीराबाई, फिर तुलसीबाई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बात भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन में साझी नहीं है? ईश्वर के प्रति निजी प्रेम, मूर्ति पूजा, रसवाद, तीर्थ स्थानों की यात्रा। दोस्तों, इसका आंसर है मूर्ति पूजा। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे प्रमुख सूफी पूजा गृह कहाँ पर स्थित है? पंडुआ, बीदर, अजमेर, शाहजहानाबाद। इसका आंसर है अजमेर में सूफी पूजा गृह स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संबंध सूफी संतों के साथ है? त्रिपिटिका, दकमा, खानका, सिनागान। दोस्तों, इसका आंसर है खानका। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से खालसा का गठन किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास, गुरु नानक, अर्जुन देव। इसका आंसर है गुरु गोविंद सिंह ने खालसा का गठन किया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शिवाजी का धार्मिक गुरु कौन था? तुकाराम, रामदास, एकनाथ, ज्ञानदेव। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। इसका आंसर है रामदास शिवाजी के धार्मिक गुरु थे। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद बिन कासिम ने निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में सिंध पर विजय प्राप्त की थी? 712 ईस्वी, 8132, 912 ईस्वी या 1012 ईस्वी। दोस्तों, इसका आंसर 712 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दिल्ली, जयपुर, आगरा, अमरकोट। तो इसका आंसर हम सभी जानते हैं, आगरा में मोती मस्जिद बनवाई थी शाहजहां ने। इसमें तीन क्वेश्चन छुपे हुए हैं, मोती मस्जिद किसने बनवाई थी? शाहजहां ने। शाहजहां ने निम्न में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? आगरा में। और शाहजहां ने कौन सी मस्जिद आगरा में बनवाई थी? वो है मोती मस्जिद। अगला क्वेश्चन, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, अकबर ने, अशोक ने, शेरशाह सूरी, समुद्रगुप्त। दोस्तों, इसका आंसर शेरशाह सूरी ने। अकबर को हराकर शेरशाह सूरी ने शासन किया था 1740 के बाद, उसके बाद उन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी। दोस्तों, अगला क्वेश्चन, मुगल जागीर तकनीकी रूप में निम्नलिखित में से क्या थी? एक किराया मुक्त भूमि, जमींदारी संपत्ति, किसी अधिकारी के लिए भू राजस्व का समनुदेशन, किसी मनसबदार को समनुदेशित नगद वेतन। इसका आंसर है किसी मनसबदार को समनुदेशित नगद वेतन। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक निपुण था? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कला में, संगीत में, सुलेखन में, दर्शन में। दोस्तों, इसका आंसर है दर्शन में, मोहम्मद बिन तुगलक निपुण था दर्शन में। अगला क्वेश्चन, शिवाजी की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहते थे? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पेशवा, सचिव, मंत्री, सामंत। दोस्तों, इसका आंसर है पेशवा। शिवाजी की मंत्रिपरिषद में मुख्य प्रधानमंत्री को पेशवा बोलते थे। दोस्तों, ये बाजीराव मस्तानी में से भी आप इसको समझ सकते हैं, वहाँ पर शिवाजी का उल्लेख किया था, वहाँ के प्रधानमंत्री को पेशवा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया? पुरंदर की संधि, वड़गांव की कन्वेक्शन, बसीन की संधि, सालबाई की संधि। इसका आंसर है बसीन की संधि। अगला क्वेश्चन, रणथंभौर क्या है? एक मुगल महल, एक राजपूत गोत्र, खिलजियों की राजधानी, बौद्धों ही तीर्थ यात्रा केंद्र। दोस्तों इसका आंसर रणथंभौर एक राजपूत गुर्द है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं हर क्वेश्चन को पूरे डिटेल में आपको बता नहीं सकता हूँ क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो दोस्तों आप प्रश्न का उत्तर वीडियो स्टॉप करके भी देख सकते हैं और उसमें अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विजयनगर के शासकों में सबसे महान किसे माना जाता है? दोस्तों विजयनगर बहुत ही फेमस था। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्णदेव राय, वीर नरसिंह, सदाशिव राय, राम राय। दोस्तों इसका आंसर है विजयनगर जो है कृष्णदेव राय में सबसे महान, कृष्णदेव राय को विजयनगर में के शासकों में सबसे महान माना जाता है। अगला क्वेश्चन, लाखबख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी? दो तमेश, बलबन, रजिया, कुतुबुद्दीन ऐबक। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है SSC और UPSC के लिए। इसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन, महाबलीपुरम के रथों का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट और जनरल नॉलेज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पालों के, चोलों के, राष्ट्रकूटों के, पल्लवों के। दोस्तों इसका आंसर है पल्लवों के। महाबलीपुरम के रथों का निर्माण जो है वो पल्लवों के शासन में काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई? तराइन की पहली लड़ाई, तराइन की दूसरी लड़ाई, पानीपत की पहली लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मुगल सत्ता की स्थापना जो है वो पानीपत की पहली लड़ाई के बाद हुई थी। अगला क्वेश्चन, लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ? औरंगजेब, मोहम्मद शाह, आशा आलम, बहादुर शाह जफर। इसका आंसर बहादुर शाह जफर, जो कि मुगल शासन के आखिरी शासक थे। अगला क्वेश्चन, बाबर की अपनी इच्छा से उसका शव कहाँ दफनाया हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और ये बता दूँ ये क्वेश्चन कौन बनेगा करोड़पति में भी पूछा गया है। आगरा, फरगना, समरकंद, काबुल। इसका आंसर है काबुल। बाबर की जो है शव काबुल में दफनाया गया है लेकिन उनकी मृत्यु भारत में हुई थी। अगला क्वेश्चन, मुगल काल के दौरान एक विदेशी यात्री भारत आया था तथा उसने एक विशेषज्ञ के रूप में तख्ते ताऊस मयूर सिंहासन का वर्णन किया, उसका नाम था? जेरोनिमा वेरोनिया, ओमराद दानिशमंद खां, ट्रेवर्नियर, ऑस्टिन ऑफ बोर्दो। इसका आंसर है ट्रेवर्नियर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, फिरोज तुगलक, बलबन। इसका आंसर है बलबन ने किया। फारसी त्यौहार नौरोज का प्रवर्तन बलबन ने किया। रुपया नामक नया सिक्का पहली बार किसने जारी किया? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद शाह तुगलक, शेर शाह सूरी या अकबर ने? उत्तर है शेर शाह सूरी ने रुपया नाम का नया सिक्का जारी किया था। अमीर खुसरो एक संगीतज्ञ था और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जी। सूफी संत, फारसी तथा हिंदी का लेखक और विद्वान, इतिहासकार, उपयुक्त सभी। दोस्तों इसका आंसर उपयुक्त सभी। विख्यात यात्री इब्न बतूता आया था पुर्तगाल से, मोरक्को से, चीन से, तिब्बत से। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इब्न बतूता का नाम आपने सुना ही होगा। इसका आंसर है मोरक्को से। उसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, लोग गलत आंसर लगा देते हैं। इब्न बतूता मोरक्को से आए थे। अगला क्वेश्चन, जब भारत पर चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों द्वारा आक्रमण का संकट मंडरा रहा था उस समय दिल्ली के सुल्तान कौन थे? दुतमेश, बलबन, जलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों इसका आंसर है इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन, वेहंद का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? आनंदपाल और महमूद गजनवी, जयपाल और मोहम्मद गोरी, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी, जयचंद्र और बख्तियार खिलजी। दोस्तों इसका आंसर है आनंदपाल और महमूद गजनवी के बीच वेहंद का युद्ध भी लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से किसने अपने शासन का अधिकांश भाग दक्षिण राजवंशों को पराजित करने में बताया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। दोस्तों इसका आंसर हम सभी जानते हैं, औरंगजेब बहुत ही महान शासक थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1657 ईस्वी सन में सम्राट शाहजहां के चार पुत्रों में उत्तराधिकार युद्ध शुरू हुआ। नंबर दो, मुगल वंश में कोई संहिता बुद्ध उत्तराधिकार
उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, उपयुक्त कथन में से एक और दो दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से वह कौन था जिसने सबसे पहले अपने सैनिकों के को वेतन की नकद अदायगी की? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक। इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो हमको पेपर के साथ साथ हमारी खुद की जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत ज़रूरी रहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 34, चौसा का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, गुजरात का बहादुर शाह और हुमायूं, हुमायूं और शेरशाह, अकबर और राणा प्रताप, जहांगीर या राणा अमर सिंह। उत्तर है हुमायूं और शेरशाह। चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरखां के बीच लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के शासन में आमिल कौन थे? गाँव के स्तर पर स्थानीय भूस्वामी, भू राजस्व की वसूली करने वाले, सरकारी प्रतिनिधि, अनाज के खुरासानी और मुल्तानी व्यापारी, गांवों से शहरों को अनाज ले जाने वाले बंजारे। इसका आंसर है भू राजस्व की वसूली करने वाले सरकारी प्रतिनिधि अलाउद्दीन खिलजी के शासन में आमिल कहलाए जाते थे। अगला क्वेश्चन, औरंगजेब के शासनकाल में किसका यह देखने का कारण था कि लोग अपना जीवन शरीयत के अनुसार जिए? अहदी, मनसबदार, मुहसिब, वाला शूही। दोस्तों इसका आंसर है मुहसिब की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक राजवंश ने खजुराहो के मंदिर बनवाए थे? अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, चंदेल, चौहान, परमार, तोमर। दोस्तों इसका आंसर है चंदेल ने। खानवा का युद्ध 1527 में किनके बीच लड़ा गया? खानवा का युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इब्राहिम लोदी, राणा सांगा, बाबर और राणा सांगा, हुमायूं शेरखां, हुमायूं और नुसरत शाह। दोस्तों इसका आंसर है बाबर और राणा सांगा। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था 1527 में। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। 1527 में बाबर और राणा के बीच खानवा का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन, किस सुल्तान ने स्वयं को सिकंदर स्थानी, दूसरा सिकंदर घोषित किया? बलबन, कैकुबाद, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी। इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को दूसरा सिकंदर घोषित किया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में लाल किला बनवाया? महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इसका आंसर है शाहजहां ने। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सरल लगते हैं, लेकिन कई लोग इनमें भी गलत जवाब देते हैं, शाहजहां है या जहांगीर है, इनमें कन्फ्यूज़न हो जाती है, कभी कभी कोई अकबर भी बोल देता है। दोस्त इसका आंसर है शाहजहां ने दिल्ली में लाल किला बनवाया था। अगला क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध तख्त ताऊस निम्नलिखित में से किस मुगल भवन में रखा गया था? फतेहपुर सीकरी में दीवाने खास, आगरा का नया किला, दिल्ली में लाल किले का रंग महल, दिल्ली में लाल किले का दीवाने आम। अगला आंसर है दिल्ली में लाल किले का दीवाने आम। अगला क्वेश्चन, सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से मिला था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, उड़ीसा, छोटा नागपुर, बीजापुर, गोलकुंडा। इसका आंसर है गोलकुंडा से, कोहिनूर हीरा गोलकुंडा की खानों से मिला हुआ था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, कालाबाजारी और जमाखोरी को नियंत्रित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा आदेश नहीं दिया गया था? भूरा जो जीन्स में लिया जाए, किसान अपनी कटी हुई फसल को खेत में ही बेचें, व्यापारी सभी वस्तुएं खुले में बेचें, खुतों और मुकदमों को आर्थिक विशेषाधिकार दिए जाएं। इसका आंसर है खुतों और मुकदमों को अधिक विशेषाधिकार दिए जाएं। अगला क्वेश्चन, पल्लवों की राजधानी का नाम था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कांची, वातापी, तिरुचनापल्ली, महाबलीपुरम। इसका आंसर है कांची, पल्लवों की राजधानी कांची था, पल्लवों कांची। अगला क्वेश्चन, नूरजहां का मूल नाम क्या था? दोस्तों बहुत से लोग नहीं जानते, लेकिन प्रश्न सरल है, जबुन्निसा, फातिमा बेगम, मेहरुन्निसा जहां नारा। इसका आंसर है मेहरुन्निसा, नूरजहां का मूल नाम था। अगला क्वेश्चन, विजयनगर के मध्यकालीन नगर को कहते हैं? इंद्रगिरी, हलेबिडू, हम्पी, कोडाबिडू। इसका आंसर है हम्पी, विजयनगर का मध्यकालीन नगर को हम्पी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में मुगल भवनों में से किसमें यह अन्य विशेषता बताई जाती है कि वह लंबाई और चौड़ाई में बिल्कुल बराबर है? आगरा का किला, लाल किला, ताजमहल या बुलंद दरवाजा। इसका आंसर है ताजमहल, जो लंबाई चौड़ाई में बराबर है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 48, इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजपूत के
रूप में निम्नलिखित में से किसको भेजा गया था? जॉन हॉकिंस, विलियम टॉन्ट, सर थॉमस रो, सर वोल्टर रेले। इसका आंसर है जॉन हॉकिंस को भेजा गया था। अगला क्वेश्चन, 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किया था प्रतिहारों ने, राष्ट्रकूटों ने, पालों ने, चाणक्यों ने। इसका आंसर है चालुक्यों ने। चालुक्यों ने 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, महाबलीपुरम के सात पैगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं? पल्लवों, पांड्यों, चोलों, चराओं। आंसर है पल्लवों के। अगला क्वेश्चन, कहा जाता है कि सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आए थे, वे किसके शासनकाल में आए थे? चेरा, पार्थियन, पांड्या, चोला। इसका आंसर है पार्थियन के शासनकाल में आए थे। अगला क्वेश्चन, इब्ने बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन। दोस्तों इसका आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्ने बतूता भारत में आया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित बहमनी शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किसने किया था? मोहम्मद आदिल शाह, महमूद गवाना, यूसुफ आदिल शाह, इस्माइल आदिल शाह। इसका आंसर है मोहम्मद आदिल शाह। ताजमहल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? ये एक भव्य मकबरा है, इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ये आगरा फोर्ट के बाहर स्थित है। इस पर उन कारीगरों के नाम उत्कीर्ण हैं जिन्होंने इनका निर्माण किया था। आंसर है ये तथ्य गलत है। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आगरा, काबुल, लाहौर, दिल्ली। इसका आंसर है आगरा में। बाबर की मृत्यु आगरा में हुई थी। अगला क्वेश्चन, चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? महाराणा प्रताप, राणा संग्राम, राणा कुंभ, राणा रतन सिंह। आंसर है राणा कुंभ ने। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी, खिजकान। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कन्फ्यूजिंग रहता है। इसका आंसर है बहलोल लोधी। कुछ लोग इब्राहिम लोधी लगा देते हैं लेकिन बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? प्रभाकर वर्धन, पुलकेशिन द्वितीय, नरसिंह वर्मा, पल्लव, शशांक। इसका आंसर है पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति निरक्षर था? जहांगीर, शाहजहां, अकबर, औरंगजेब। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी जनरल नॉलेज के लिए। इसका आंसर है अकबर। अकबर निरक्षर था, मतलब अकबर को साक्षर नहीं था। अगला क्वेश्चन, सातवाहन अपने सिक्के मुख्यतः किस धातु के बनाते थे? लेड, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर। इसका आंसर है लेड के। सातवाहन जो है अपने सिक्के लेड के बनाते थे। लेड पीवी जिसे बोला जाता है, पीवी लेड। अगला क्वेश्चन, 1780 ईस्वी में राजाराम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध अब उसकी वीर पत्नी किसके नेतृत्व में जारी रखा था? ताराबाई, लक्ष्मीबाई, रमाबाई, जीजाबाई। इसका आंसर है ताराबाई के नेतृत्व में जारी रखा था। क्वेश्चन नंबर 64, शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 1627 ईस्वी में, 1674 ईस्वी में, 1680 या 1670 ईस्वी में। इसका आंसर है 1674 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन बख्तियार, मोहम्मद बिन कासिम। इसका आंसर मोहम्मद बिन बख्तियार नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाले मुस्लिम शासक था। अगला क्वेश्चन, चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपनी उच्चतम स्तर पर थी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अकबर, औरंगजेब, जहांगीर या शाहजहां। इसका आंसर है जहांगीर के शासनकाल में चित्रकारी अपने उच्चतम स्तर पर थी। हल्दीघाटी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एक और अकबर और राणा संग्राम, अकबर और मोदिनी राय, अकबर और राणा प्रताप सिंह, अकबर और उदय सिंह। इसका आंसर है अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच हल्दीघाटी की लड़ाई लड़ी गई थी, अकबर और राणा प्रताप सिंह। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, शाहजहां का प्रसिद्ध तख्त ताऊस 1739 में कौन ले गया था? अफगान आक्रमक अहमद शाह अब्दाली, फारसी आक्रमक नादिर शाह, मंगोल आक्रमक नादिर शाह, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका आंसर है फारसी आक्रामक नादिर शाह। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कुतुब, इसका तथ्य मैं बाद में बताऊंगा। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। इसका आंसर है फिरोज शाह तुगलक। दोस्तों
कुतुब मीनार जो है वो किसी और शासन ने स्टार्ट किया था, लेकिन पूरा फिरोज शाह तुगलक ने किया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तुगलकाबाद किला, लाल किला, हौज खास, द सिटी ऑफ सीरी, ये किस किस ने बनवाई थी, इनको हमें जोड़ना है। तो उसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, आंसर टू। ए का फोर, तुगलकाबाद किला जो है वो गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था। लाल किला जो है बी का दो, लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। हौज खास जो है सी का तीन, हौज खास फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। और द सिटी ऑफ सिटी जो है अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई थी। तो दोस्तों ये है इस सीरीज के 70 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मध्यकालीन भारत के इतिहास के, जो कि सभी गवर्नमेंट एग्ज़ामों के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। दोस्तों मेरे चैनल को अब तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी टेस्ट सीरीज मैं आपके लिए कंटिन्यूस अपलोड करता रहूँगा। और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, जिससे जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा वैसे ही आपको इनकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। दोस्तों तो मुझसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। दोस्तों मुझे सपोर्ट कीजिए, जिससे मैं आगे भी आपके लिए आप ऐसे गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए वीडियो लाता रहूँगा। आगे भी मैं जनरल नॉलेज करंट अफेयर के क्वेश्चन लाने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।